गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. सो आज हम हिंदी में बाल माधुरी निकालेंगे और उसका निकालेंगे हम पेज नंबर 47. सो अब आजकल हम चार अक्षर वाले शब्द पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हम सबसे पहले पेज नंबर 47 की रीडिंग करेंगे. सो करवट, क्या बन गया ये वर्ड, करवट. इनको दो दो अक्षरों को ज्वाइन करके जो बनता है वो बन जाता है चार अक्षर वाले शब्द. अचकन, हल चल हलचल, गड़बड़, बर्तन, शलगम, झटपट, शरबत, अजगर. सो टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 48. उबटन, मल कर कसरत कर, बरगद, करवट, उपवन बोलते हैं बेटे बगीचे को, जो बाग होता है बगीचा होता है उसको उपवन भी बोलते हैं हिंदी में. तन्मय इस बच्चे का नाम है. सरपट, कसरत, मल कर, शरबत, अचकन, ये इसको जो इन्होंने ड्रेस पहनी है इसको क्या बोलते हैं, अचकन. उबटन क्या होता है बेटा, नहाने से पहले हम कुछ हल्दी में कुछ हर्ब्स मिलाते हैं और फिर उससे उबटन बनाते हैं और वो नहाने से पहले लगाते हैं, उसको बोलते हैं उबटन. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, घर में जाकर पेज नंबर 47 और पेज नंबर 48 की रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे. अभी हम 3 नए वर्ड्स जो हैं वो लिखेंगे, तो आप सब बच्चे अपनी हिंदी की नोटबुक निकालेंगे और इसमें हम लिखेंगे 3 नए शब्द और वो होंगे 4 अक्षर वाले शब्द. पहले रीड करेंगे इसको. झटपट, शरबत, अजगर. ठीक है, तो हम अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लिखना. झटपट, शरबत. और आप सब बच्चे जब ये लिखते हैं तो हर शब्द को बोल बोल कर लिखना है, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और लिखना भी बहुत अच्छे से आ जाएगा. अजगर, झटपट, शरबत, अजगर, झटपट,
झटपट शरबत अजगर। तो अभी हमने ये 4 लाइंस लिखी हैं, आप होमवर्क में 8 लाइंस झटपट शरबत और अजगर की पूरी वर्ड 8 लाइंस लिखेंगे, इन तीनों वर्ड्स की, और पेज नंबर 47 और पेज नंबर 48 बाल माधुरी की अच्छे से रीडिंग करेंगे। सो थैंक यू सो मच बेटा।